अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ, और उनमें से हमने बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया था, और नेक्स्ट टाइम केमिकल हैजर्ड्स पढ़ रहे थे। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हम केमिकल हैजर्ड्स की केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे। ये जो केमिकल मरकरी है, ये इस केस स्टडी जो है मरकरी से रिलेटेड है, यानी ये केमिकल है जो कि आपके डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट्स में हो सकता है, डिफरेंट हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, यानी हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जैसे बैटरीज हैं, उनमें मरकरी यूज़ होता है। वाटर में अगर मरकरी की क्वान्टिटी ज़्यादा हो, जो हम अंडरग्राउंड वाटर जो है हम पीने के लिए जो यूज़ करते हैं पानी, उसमें अगर, तो ये किसी ना किसी तरह हमारी लाइफ में ये इन्वॉल्व हो जाता है ये केमिकल। तो हम उसके इफ़ेक्ट देखेंगे कि उस केमिकल के इफ़ेक्ट इम्यून सिस्टम पर किस तरह हैं और हमारे नर्वस सिस्टम पर किस तरह है। नर्वस सिस्टम यानी रिलेटेड टू हमारे ब्रेन है, हमारे नर्व्स है, और इम्यून यानी हमारी इम्यूनिटी, यानी किसी चीज़ के खिलाफ हमारी कुव्वत मुदाफियत, यानी हमारी बर्दाश्त को किस हद तक ये इफेक्ट करता है। EPA जो है, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसने ये एस्टिमेशन दी थी कि अबाउट 1 in 12 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज इन द US हैज इनफ मरकरी इन हर ब्लड टू हार्म अ डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो उसको इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो आपके पास चाइल्ड बियरिंग मदर हैं उनके पास, उनमें मरकरी की क्वांटिटी उनके ब्लड में इतनी ज़्यादा होती है कि वो न्यू बॉर्न को भी इफेक्ट कर सकती हैं। और ये किस तरह उनके इफेक्ट करती हैं, ग्रेटेस्ट रिस्क जो है वो अगर आप उसका ये है कि मिथाइल मरकरी, यानी मरकरी अगर मिथाइल मरकरी के साथ, एक केमिकल का नाम है, यानी मरकरी के साथ एक और साथ केमिकल अगर हम ऐड करें जिसका नाम मिथाइल है, और मिथाइल मरकरी एक पूरा कंपाउंड बन रहा है, तो इसकी अब लो लेवल्स भी हैं। यानी एक तो होता है ना कि एक चीज़ की हाई क्वान्टिटी है, इंक्रीज्ड नंबर में है, इसलिए वो हमें इफेक्ट करता है, लेकिन मिथाइल मरकरी जो है वो लो लेवल्स में भी, यानी लो क्वांटिटी में भी अगर कोई इसका इसके साथ उसका कांटेक्ट है, इसको इनहेल कर लेता है, इसको इंजेस्ट कर लेता है, तो वो उसके ब्रेन पर इफेक्ट करेंगे, और वो जो डैमेज होगा वो न्यू बॉर्न्स में भी हो सकता है, और वो यंग चिल्ड्रन जो हैं वो इससे ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं। और मिथाइल मरकरी जो है जब आप इनहेल कर लेंगे तो वो आपके दिल को, आपकी किडनीज को, और आपके इम्यून सिस्टम को जो कि बच्चों के हैं उनको वो इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह EPA ने जो है एडवाइस किया था कि जो नर्सिंग मदर्स हैं या जो न्यू मदर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी जो फूड है, अपनी जो इनटेक वो फूड की ले रही हैं, उसमें जो मरकरी है उसकी क्वांटिटी कम से कम रखें। अब मरकरी किन चीज़ों में ज़्यादा हो सकती है? मरकरी ज़्यादा हो सकती है जो फिश के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि वो शार्क ना खाएं, ये भी फिश है, स्वॉर्ड फिश, किंग मैकरल और टाइल फिश, एंड टू लिमिट देयर कंजम्पशन ऑफ अल्बाकोर ट्यूना। ये सारी जो है फिश की डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी उन्होंने कहा कि इनमें जो है मरकरी की क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, तो जो न्यू मदर्स हैं वो इसको खाने से अवॉइड करें, ताकि उनके ब्लड में मरकरी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा ना हो जो कि नेक्स्ट आपके न्यू बॉर्न को इफेक्ट करें। In 2003, the UN Environmental Program recommend, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि आप जो कोल बर्निंग पावर प्लांट्स हैं और वेस्ट इंसिनरेटर्स हैं, वेस्ट इंसिनरेटर्स कोल बर्निंग पावर प्लांट्स, यानी जो आप अपनी बिजली, यानी जो पावर प्लांट्स हैं जिनसे आप ले रहे हैं, उसमें आप कोल को यूज़ कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसमें आप उसको, और जो वेस्ट इंसिनरेटर्स हैं यानी जिसमें आप हमारा सॉलिड वेस्ट जलाया जाता है, जहाँ पे इंसिनरेटर्स यानी जलाने के लिए, इंसिनरेट करना यानी जलाना, जो आप जलाने के लिए, वेस्ट को जलाने के लिए जो इक्विपमेंट्स आपने यूज करें उसको फेज आउट करें, फेज आउट यानी उनको खत्म करें जितनी जल्दी आप उसको खत्म कर सकते हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि ये मरकरी के फैलने का सबब बन रहे हैं। क्योंकि जब आप कोल को जला रहे हैं तो भी उसमें से ये केमिकल मरकरी जो है ये आपके पास रिलीज होगा, तो एयर पोल्यूशन में वो इंक्रीज कर रहा है, एयर पोल्यूशन के थ्रू हमारी लंग्स में, हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहा है क्योंकि एयर में प्रेजेंट है। इसी तरह वेस्ट इंसिनरेटर्स, यानी जब आप वेस्ट को जलाएंगे तो आपके पास जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनमें से एक मरकरी होगा, यानी वो भी हम अपने इनहेल कर सकते हैं अपने
थ्रॉट के थ्रू, अपने नोज के थ्रू, और वो हमारे नुकसान पहुंचाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए 2003 में जो आपके यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जितनी जल्दी आप इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं दुनिया में से ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एक बहुत रैपिडली इस मरकरी पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं। अदर रिकमेंडेशन उन्होंने क्या की कि आप जो बैटरीज जिनमें आप बैटरीज बनाते हैं जिनमें आप मरकरी प्रेजेंट होता है, पेंट्स और क्लोरीन जिसमें मरकरी प्रेजेंट हो, उनको भी आप जितनी हद तक कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं बाय द ईयर 2020, यानी इससे देर नहीं, यानी आप 2020 तक इन चीजों को जितना आप कम से कम यूज कर सकते हैं उनको करें, ताकि ये फर्दर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब इन मरकरी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कि ये हमारे पास अब केस स्टडी में हमने जो पढ़ा है पीछे, कि ये सोर्सेज इनके थ्रू जो है ये हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो केस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपने वही इंसिनरेटर्स जो है उनको ख़त्म करें, उनका यूज कम से कम करें। इसी तरह जो कोल है, जिसमें कोल को जब आप जलाते हैं तो उसमें से पहले मरकरी को ख़त्म करें, ताकि जो मरकरी है वो जल के वो आपके पास, कि कोल को जलाएं और साथ जो मरकरी है वो भी हमारे पास एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए, तो उससे भी हमने पहले ही ख़त्म कर दें ताकि वो एनवायरनमेंट में ना जाए। इसी तरह कोल से नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट कर जाए, ताकि आपके पास आपको कोल यूज़ ही ना करना पड़े और वो आपके पास मरकरी या इसी तरह के दूसरे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज ही ना हो, इसी तरह के दूसरे अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव कर जाएं कोल की बजाय, ताकि आपको इस तरह के पोल्यूटेंट्स का सामना ही ना करना पड़े। ये अब इसकी प्रिवेंशन है, यानी आप ये चीज़ प्रिवेंट करें इनको करने से। और इसका कंट्रोल क्या है कि आप इसको शार्पली रिड्यूस मरकरी एमिशन फ्रॉम कोल बर्निंग प्लांट्स के, अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो फिर इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करें, इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करें जो कि इसकी इमिशन को कंट्रोल करें, यानी इसको लेस टॉक्सिक बनाकर एनवायरनमेंट में रिलीज करें। लेबल ऑल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग मरकरी, यानी हर जो भी जैसे बैटरीज में मरकरी प्रेजेंट होता है तो उसमें मेंशन करें कि इस प्रोडक्ट में, किस किस प्रोडक्ट में मरकरी है, ताकि उसको अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए और ये अवेयरनेस दें कि इसको आपने डिस्पोज ऑफ इसी तरह एनवायरनमेंट में नहीं करना। Collect and recycle batteries and other products containing mercury. इसी तरह आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मरकरी से रिलेटेड हैं वो किसी ना किसी एक गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको किसी इदारे को इस तरह का बनाएं कि वो आपके जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो इसको बैटरीज को या किसी तरह इसी तरह के दूसरे इक्विपमेंट्स को जिनमें मरकरी प्रेजेंट है वो इनको अलहदा से कलेक्ट करके इनका अलहदा से इनको कंट्रोल करें, ताकि ये इन्वायरमेंट में इस तरह से रिलीज ना हो। इसी तरह जो आपके पास अभी हमने मरकरी की केस स्टडी पढ़ी, इसी तरह बहुत से केमिकल्स हैं, जैसे हमने मरकरी का पढ़ा कि हमारे इम्यून सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कर सकती हैं, इसी तरह बाकी बहुत से दूसरे केमिकल्स हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है ग्लैंड्स का, यानी इसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन में डिफरेंट काम करते हैं, वो हॉर्मोन्स ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। और वो टास्क कौन कौन से हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने में, ग्रोथ में, नशोनुमा में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, लर्निंग एबिलिटी में, बिहेवियर में, यानी ये जो आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक हॉर्मोन्स का सिस्टम है, ग्लैंड है, ग्लैंड जिनको हॉर्मोन्स भी आप कह सकते हैं, यानी एक सेल्स है, ये पूरा उनका एक मजमुआ है जिसको ये मिल्क एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। और ये सारी चीज़ें वो हमारी, ये पांच चीज़ें जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो कि हमारे इस एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करने से यानी वो हमारी रिप्रोडक्शन पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी ग्रोथ की एबिलिटी पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे बिहेवियर पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह बाकी दोनों पे भी, लर्निंग एबिलिटी और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, यानी हार्मोनली एक्टिव एजेंट्स हैं, यानी HAA जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ये ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स हैं यानी जो कि ह्यूमन ने खुद जनरेट किए हैं, वो इस तरह के हैं, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डिसरप्ट करते हैं, यानी उसको हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके काम में खराबी पैदा करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिसरप्ट करना यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हमारे उस एंडोक्राइन सिस्टम में। और वो कौन से करते हैं, वो कौन से केमिकल्स हैं जिन्हें हम
हार्मोनली एक्टिव एजेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि हार्मोनली एक्टिव होते हैं, यानी उसको हमारे हार्मोन्स को उसकी काम को, उसके वर्क को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अब कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आएंगे इन हार्मोनल एक्टिव एजेंट्स में, उनमें एलुमिनियम भी हो सकता है, उसमें एट्राजीन भी हो सकता है, हर्बिसाइड्स हो सकती हैं। हर्बिसाइड्स क्या हैं, यानी जो हम अपने जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारी जो जब वो वेजिटेशन करते हैं उसमें जो अब एक फसल है वो उसको उगाना चाह रहे हैं, उसके साथ अब अगर कोई अनवांटेड चीज एक अलहदा से उग रही है जो हमारी जो रिक्वायर्ड फसल है उसको खराब कर सकती है, तो जो एक अनवांटेड वेजिटेशन होती है जिस वेजिटेशन को आप नहीं चाहते कि वो साथ ग्रो करे, तो उसको खत्म करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। इसी तरह डीडीटी यूज होता है, डीडीटी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन की, और डीडीटी आप इसको यूज कर सकते हैं आम अल्फाज में इसका नाम। और ये किसके लिए यूज होता है, ये पेस्ट कंट्रोल यानी इंसेक्ट्स को जो है खत्म करने के लिए, यानी हमारी जो फार्मर्स हैं अगर किसी फसल में उनकी वेजिटेशन में कोई इंसेक्ट्स आ गए हैं जो कि उसकी फसल को खराब कर सकते हैं, तो उसके लिए वो केमिकल्स का डीडीटी का स्प्रे करेंगे। इसी तरह आप पीसीबीज यूज कर सकते हैं, पीसीबीज जो है ये पॉलीक्लोरीनेटेड बायफिनाइल्स हैं, और इसको आप आम अल्फाज में इनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं पीसीबीज का, और ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। इसी तरह मरकरी है, फैलेट्स हैं, बायफिनोल ए बीपीए भी जिसको कहते हैं, यानी ये डिफरेंट फैलेट्स जो है ये भी एक केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसको आप प्लास्टिक्स में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में ये यूज होता है बनाने में। इसी तरह बायफिनोल ए है, ये भी इंडस्ट्रियल केमिकल है, और ये भी प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक के जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है उसको बनने में, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में। बीपीए भी हमारे पास हम यूज करते हैं, तो ये ऐसे इक्विपमेंट्स, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, और ये जब हम किसी ना किसी तरह हमारे सिस्टम में ये शामिल हो जाते हैं तो ये उसको डिस्टर्ब करने का सबब बनते हैं। और ये सारे जो है ये किस तरह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये हमारे हमारे जो रिसेप्टर हैं, हमारे पार्ट्स हैं, ये हमारे उनके साथ अटैच हो जाते हैं, यानी उनकी लाइनिंग के साथ, रिसेप्टर के साथ हमारे उसके साथ अटैच होकर, हमारे एस्ट्रोजीन बॉडी पार्ट है उसके साथ अटैच होकर उसको हमारे सिस्टम में शामिल होकर उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। थायराइड डिस्टर्बर्स कॉज ग्रोथ वेट ब्रेन एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। थायराइड यानी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारी एट द एंड ऑफ नेक, हमारी एंड ऑफ नेक पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एक हार्मोन प्रेजेंट है जिसको थायराइड कहते हैं। इसी तरह जो थायराइड डिस्टर्बर्स यानी जो थायराइड की ग्रोथ को खराब करने वाले हैं, डिस्टर्बर्स यानी इसको डिस्टर्ब करने वाले केमिकल्स जो हैं वो इसकी ग्रोथ, वेट और ब्रेन में और उसकी बिहेवियर में चेंज करने का उसको भी इफेक्ट करते हैं, जो कि थायराइड को डिस्टर्बर्स कहलाते हैं, यानी वैसे केमिकल जो कि थायराइड को डिस्टर्ब कर दें, उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर दें। फर्दर उन्होंने बीपीए का बायफिनाइल ए को उन्होंने डिस्कस किया है कि वो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में यूज होता है, बेबी बॉटल्स में उसको यूज होता है। इसी तरह यानी डिफरेंट जितनी भी प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स हैं चीज़ों की, बॉटल्स हो सकती हैं, रेजिन भी जो है वो हमारे पास प्लास्टिक की टाइप है जो कि फूड कंटेनर्स बनाने में यूज होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनमें पाई जाती हैं, बीपीए से ये उसमें मौजूद होता है। स्टडीज में जो है ये बताया गया है कि इसके लो लेवल्स भी जो हैं, बीपीए के लो लेवल्स भी जो हैं वो बहुत सारे ब्रेन डैमेज हमारे पास क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह मेल एंड फीमेल्स में, बच्चों में भी, अडल्ट्स में भी ये उनकी डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में उनके खलल पैदा कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल्स में ये ब्रेस्ट कैंसर का भी बायस बन सकते हैं, और हार्ट डिजीजेस भी डिफरेंट जो है इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। स्टडीज फंडेड बाय द केमिकल इंडस्ट्री फाउंड नो एविडेंस और ओनली वीक एविडेंस फॉर एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम लो लेवल एक्सपोजर टू बीपीए इन टेस्ट एनिमल्स। यानी जब एक लेबॉरेटरी में उन्होंने एनिमल्स पे इस चीज को टेस्ट किया कि उनको ये बात नहीं पता चली कि वो लो लेवल्स एक्सपोजर से भी अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री से कि रिलीज हो रहे हैं कि उससे कोई कोई इफेक्ट आया हो पुराने, उन्होंने जब उन्होंने टेस्ट किया। इसी तरह 2008 में जब दोबारा टेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि बीपीए अगर फूड और ड्रिंक में भी अगर कंटेनर्स में मौजूद है तो भी वो इतना हेल्थ हैजर्ड उस पर क्रिएट नहीं करता।
लेकिन जब 2010 में कनाडा में इसको क्लासिफाई किया, उसको क्लासिफाई किया एज अ टॉक्सिक केमिकल, यानी उन्होंने दोबारा जब टेस्ट किया तो इसको एक टॉक्सिक केमिकल उन्होंने 2010 में कनाडा ने डिक्लेयर किया, और इसको उसका बॉटल्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में, प्लास्टिक की चीजों में इसको यूज करने में इसको बैन किया, और उसको कहा कि पूरे जो है कंट्री में जो है और यूरोप में जो है आपके पास इसकी बीपीए को यूज करने के लिए बंद किया जाए प्लास्टिक बॉटल्स में, क्योंकि ये एक टॉक्सिक केमिकल है और बहुत से बच्चों को ये इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह फैलेट्स हैं, फैलेट्स भी कंपाउंड है जो कि यूज होते हैं डिटर्जेंट्स बनाने में, जो हम परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट, सोप्स एंड शैम्पूज, डिफरेंट हम इसी तरह के प्रोडक्ट्स, और बच्चों के जो हम खिलौने टॉयज होते हैं, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मेडिकल की जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी ट्यूब्स वगैरह हैं, उनके बनाने में जो है हम इसी तरह की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट, तो वो हमारे पास क्रिएट करती हैं, उनमें ये यूज होता है। और जब ये यूज होगा और हमारे सिस्टम में दाखिल होगा, हमारे ह्यूमन सिस्टम में, तो ये कैंसर कॉज कर सकता है और दूसरी बहुत सारी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ये जनरेट कर सकता है, जैसे कि लेबोरेटरी एनिमल्स में इन्होंने, साइंटिस्ट ने उनको टेस्ट किया होगा, एनिमल्स पे टेस्ट किया होगा, एनिमल्स का स्ट्रक्चर जो है जैसे कि मंकी, रैट्स, माइस, इनका जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन सिस्टम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में जब साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इन एनिमल्स को टेस्ट करते हैं, यानी कोई भी उन्होंने कोई ह्यूमन के लिए कोई वैक्सीन बनानी है, कोई भी इलाज ढूंढना है, कोई भी उन्होंने कोई नई मेडिसिन बनाई है, तो वो उन पर, उनको एनिमल्स को देखकर, टेस्ट एनिमल्स को देखकर ट्राई करते हैं, और फिर वो ह्यूमन के लिए और पूरे टेस्ट प्रोसीजर गुजरने के बाद वो ह्यूमन के लिए अवेलेबल होती है। नेक्स्ट ये है कि हमने केमिकल हैजर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इनको किस तरह इवेल्युएट किस तरह कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल जो है कितना हैजर्डस है, क्या कौन कितना, यानी किसकी कितनी क्वांटिटी हम इनटेक करते हैं, तो वो हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकती है, वो हमारे लिए कोई बीमारी जनरेट कर सकती है। नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे कि हम किस तरह उसकी टॉक्सिसिटी को, यानी वो कितना डेंजरस है केमिकल, वो हमें किस तरह पता चलेगा। जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि केमिकल्स के जो इफेक्ट हैं उसको देखते हैं, यानी डिफरेंट हम उनके डिफरेंट टेस्ट करेंगे ना, केमिकल्स के डिफरेंट टेस्ट करेंगे जिनके थ्रू हमें पता चलेगा ये केमिकल कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। तो उसमें सबसे पहले जो है एक टॉक्सिकोलॉजी स्टडी की जाती है केमिकल्स की। टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल्स के एनिमल्स पर, ह्यूमंस पर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, उनमें एनिमल्स भी हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कि केमिकल्स के किस तरह के इफेक्ट्स होंगे इन पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर किस तरह के इफेक्ट वो जनरेट करेंगे, तो ये जो स्टडी कहलाती है वो टॉक्सिसिटी कहलाती है। यानी टॉक्सिसिटी जो है हमारे पास ये मेजर है, इससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो कितना नुकसानदेह है, वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए। इसी तरह कोई भी हम, कोई भी नेचुरल केमिकल है या कोई भी मैन मेड सिंथेटिक केमिकल है, अगर उसकी लार्ज अमाउंट में कोई भी आप उसकी इनहेल करेंगे, उसको इंजेस्ट करेंगे यानी अपने इनटेक करेंगे, तो वो हार्मफुल हो सकती है। इसी तरह डोज क्या है, यानी डोज का वर्ड यूज होता है, डोज एक जैसे हम कहते हैं कि आपने, हम मेडिसिन की डोज की बात करते हैं, या आपने एक डोज सुबह लेनी है दोपहर को, यानी एक स्पून या एक चम्मच, हम तो उसको हम डोज कह देते हैं, जैसे हमने सीरप का एक चम्मच, एक स्पून जो हमने सुबह में लेना है तो हम कहेंगे ये एक डोज है, ठीक है। इसी तरह जो केमिकल्स है उसकी फॉर्म में डोज से क्या मुराद है, ये वो अमाउंट होती है उस हार्मफुल केमिकल की, जब पर्सन जो है उसको इनहेल कर ले, ले ले इनटेक कर ले या अब्जॉर्ब कर ले उसको स्किन के थ्रू, वो फिर ह्यूमन को जो है इफेक्ट करे उसकी क्वांटिटी, ठीक है। यानी अगर हम कोई खास मिकदार जो हम इनहेल कर रहे हैं और जो हमें इफेक्ट कर रही है तो वो हमारी वो डोज कहलाएगी, हम उसको डोज कहेंगे, यानी उसने केमिकल की इतनी डोज ली तो उस पर ये इफेक्ट शो होना शुरू हो गए हैं। मैनी वेरिएबल्स कैन इफेक्ट द लेवल्स ऑफ हार्म कॉज्ड बाय अ केमिकल, यानी जब आपके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यानी आप बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट हार्म इस केमिकल के अब्जॉर्ब होने से, इनटेक करने से कितने परसेंट हार्म हमें हुआ है, ह्यूमन बॉडी को कितने परसेंट हार्म हो सकता है।
इसी तरह उन्होंने कहा जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनके बच्चों पर जो है वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू यंग पीपल, यानी जो जवान लोग हैं उनसे ज्यादा बच्चे जो हैं इन चीजों से जो, और न्यू बॉर्न जो है इनसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अब जो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हम पढ़ने लगे हैं कि जितने कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि उसकी हार्मफुलनेस को यानी उसके कि वो कितना डेंजरस है हमारे लिए उसको बता सकते हैं। उसमें सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी। जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन से क्या मुराद है, यानी ऐसे केमिकल्स जो कि वाटर में हल हो जाए, जैसे चीनी पानी में बिल्कुल हल हो जाती है, नमक हल हो जाता है, इसी तरह ऐसे केमिकल्स जो कि पानी में हल हो जाए विच आर ऑफन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, उसके अलावा जो यानी जो ऐसे केमिकल्स ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जिनमें बाकी सारे कोई भी केमिकल हो सकता है वो इनऑर्गेनिक माने जाते हैं, और ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो वाटर सोलेबल टॉक्सिन्स हैं वो थ्रू आउट द इन्वायरमेंट जो है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स आराम से हमारी जो वाटर सप्लाईज हैं, हम जो पानी पीते हैं वो हमारे उनमें आराम से शामिल हो सकते हैं, और जब वो उनमें शामिल हो जाएंगे और जब हम पानी पियेंगे तो वो हमारे वो जो सोल्यूशन की फॉर्म में पानी के पानी में क्योंकि मौजूद है तो वो सोल्यूशन की फॉर्म में हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में वो प्रेजेंट हो जाएंगे, उसमें दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह बहुत से जो हमारे ऑयल और फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी जो ऑयल और फैट सॉल्युबल यानी जो हमारे पास ऑयल और फैट ऐसे केमिकल्स जो सिर्फ ऑयल और फैट में सॉल्युबल हों, यानी उसमें सिर्फ हल हो सके, यानी वो पानी में हल नहीं होंगे वो ऑयल या फैट में आपके पास हल हो सकेंगे, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं हर सेल्स में। सेल्स में जो यानी हमने पढ़ते हैं जैसे एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, तो हम कहते हैं उसके सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कोई भी उसकी बाहर वाली जो कवरिंग जिसको हम कह सकते हैं, यानी किसी सेल की जो बाहर वाली कवरिंग है वो उन टॉक्सिन्स को गुजरने देती है। तो इसी तरह वो जब उनको गुजरने देगी तो ये जो टॉक्सिन वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स है क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे तो वो इनको भी गुजरने देगी, और ये जो है हमारी बॉडी में इस तरह वो शामिल हो जाएंगे और हमारे लिए नुकसान का बाइस बनेंगे, और वो हमारी बॉडी और हमारे सेल्स में टिश्यूज में वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी वो हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे। और सेकेंड फैक्टर जो जिससे आप पता कर सकते हैं वो है सब्सटेंस परसिस्टेंस। परसिस्टेंस से मुराद ये है कि कोई जो केमिकल है वो कितनी देर तक प्रेजेंट रह सकता है बिना किसी तोड़फोड़ के, यानी वो अपनी असली हालत में मौजूद रहे। बहुत से केमिकल हैं जिनमें से एक डीडीटी है जो कि इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो इस तरह का केमिकल जो कि बहुत अरसे तक वो बिना किसी ब्रेक डाउन के वो बहुत अरसे तक प्रेजेंट रह सकता है हमारी बॉडी में भी वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके पास केमिकल्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा देर तक लंबे अरसे तक वो परसिस्ट कर सकेंगे, अपने आप को कायम रख सकेंगे, ऑब्वियसली वो हमें लंबे अरसे तक हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगे तो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को लंबे अरसे तक डिस्टर्ब करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि केमिकल्स का हम देख सकते हैं जो कि वो कितना ये केमिकल डेंजरस है या उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो है बायो अक्यूमुलेशन के थ्रू। बायो अक्यूमुलेशन क्या है, ये वो फैक्टर है जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो है आपने एब्जॉर्ब किए यानी उसको इनहेल किया है, आपने आपकी बॉडी में वो शामिल हो गए हैं और वो फिर अब आपके जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, लिवर्स हैं, हार्ट हैं, उसमें क्या होगा वो स्टोर हो जाएंगे, यानी आपके टिश्यूज में आपके ऑर्गन्स में वो नॉर्मल लेवल से यानी उसका जो एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा क्वांटिटी आपकी बॉडी में वो जमा होना शुरू हो जाएगी। अक्यूमुलेशन से मुराद है कि वो बॉडी जो है वो बॉडी में वो चीज जमा होना शुरू हो जाएगी, वो स्पेसिफिक केमिकल जो होगा, और ये तब होता है कि जो आपके पास जो आप केमिकल है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा बल्कि वो जमा होना शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जब एक चीज की जमा हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है लार्ज क्वांटिटी है वो आपको इफेक्ट करेगी। जो फोर्थ फैक्टर है वो है बायो मैग्निफिकेशन का। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, इन विच लेवल्स ऑफ सम पोटेंशियल टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट बिकम मैग्निफाइड एज दे पास थ्रू फूड चेन्स एंड वुड वेब्स। यानी जो हमारे पास एक केमिकल है सपोज वो हमारे पास सबसे पहले हमने फूड चेन एंड फूड वेब में पढ़ा था कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सबसे नीचे हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, सपोज
एक आपके पास प्रोड्यूसर जो है, एक प्लांट जो है, उसने एक स्पेसिफिक केमिकल जो है उसको अब्सॉर्ब करना था 10%, लेकिन उसने 10% नहीं किया, उसने सिर्फ 1% अब्सॉर्ब किया है। तो अब वो जो नेक्स्ट आपके पास वो कंज्यूमर जो है, कोई भी एनिमल जब उस प्लांट को खाएगा तो वो केमिकल यानी अब उसके पास ज्यादा चला गया, हालांकि एक रूटीन के मुताबिक उसको प्रोड्यूसर जो है, प्लांट जो है, उसको 10% उस चीज को खाना चाहिए था, उसको खत्म करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसने वो कंज्यूम नहीं किया तो वो आपके पास नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। वो अब उसको एनिमल जब उसको खाएगा प्लांट को, तो वो उसके पास वो ज्यादा मिकदार में आपके पास चला गया, हालांकि वो आपके पास कम क्वांटिटी में उधर जाना चाहिए था। तो ये एक मैग्निफाइड फॉर्म हो जाती है फूड चेन में, यानी किसी चेन फूड चेन में या फूड वेब में किसी चीज का बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाना, यानी अगर रेगुलर कंडीशंस में हम देखें तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन जब एक बायो मैग्निफिकेशन होना यानी एक चीज ज्यादा क्वांटिटी में जब जमा होना शुरू हो जाएगी तो वो फूड चेन में उसकी क्वांटिटी जो है वो आम हालात के मुताबिक, आम कंडीशंस के मुताबिक उसका जो लेवल है, केमिकल लेवल उसका राइज कर जाएगा फूड चेन में और फूड वेब में। जैसे उन्होंने आगे वो चीज लिख दी है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लो ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं उसकी क्वांटिटी जो है स्मॉल अमाउंट में उसको इंजेस्ट करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेवल पे जो एनिमल है उसके पास जो है बहुत ज्यादा मिकदार में, जब वो उस पौधे को या उस प्लांट को खाएगा तो वो बहुत ज्यादा मिकदार में उसके पास वो इंक्रीज अमाउंट में वो टॉक्सिन उसके पास जमा हो जाएगा, जो कि अब फिर उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पास जितना आना था उसके पास उससे ज्यादा मिकदार में जमा हो गया है। अब फिफ्थ फैक्टर इज केमिकल इंट्रैक्शन, यानी जो फर्स्ट जो फैक्टर, नेक्स्ट जो फैक्टर है फिफ्थ नंबर, वो है केमिकल इंटरेक्शन। अब ये वो इंटरेक्शन है जिसमें जब आपका एक खास केमिकल है वो किसी इस तरह के माहौल में उसका इंटरेक्शन हो जाए, किसी ऐसी चीज के साथ उसका लिंक बन जाए कि वो ज्यादा खतरनाक बन जाए। किस तरह, इसकी एग्जाम्पल है जैसे आपके पास इस बात के साइंटिस्ट ने जो है इस बात का एविडेंस देते हैं कि जो विटामिन ई और ए है जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो सम कैंसर कॉजिंग केमिकल्स के खिलाफ उसके रिस्पॉन्स को वो इफेक्ट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जो बॉडी ने एक रिस्पॉन्स देना है कि जब उसको कैंसर के सिम्टम्स शो होना शुरू होंगे, उसने जिस तरह रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन अगर विटामिन ई और ए एक साथ बॉडी में इस तरह वो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, उनका रिएक्शन हो जाता है, तो वो उस रिस्पॉन्स को कम कर देंगे। उस रिस्पॉन्स को कम कर देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा कि कैंसर जब कॉज होना था तो एक बॉडी ने अपना रिएक्शन देना था जिससे हमें सिम्टम्स से हमें पता चलता, वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और अब आपको बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर पता चलेगा कि आपको कैंसर है। अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा तो वो क्योरेबल होगा, वो आप उसका आराम से ट्रीटेबल होगा, आप उसका इलाज कर सकते हैं, और ये इस तरह के उसके लिए इस तरह के किसी एक ऐसे केमिकल्स के जो टॉक्सिक हैं जब वो आपस में कंबाइन होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे, तो वो इंटरेक्शन से बहुत सारे इस तरह के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइनर्जिस्ट इंटरेक्शन, यानी आपके पास ये इस तरह का इंटरेक्शन है, ये इस तरह का कंबाइन इंटरेक्शन है, यानी किसी भी एक आपके पास कोई दो एक केमिकल है तो उसका दूसरी किसी आपकी बॉडी में प्रेजेंट किसी और चीज के साथ आपका उनका आपस में कांटेक्ट हो जाता है, तो वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जिस तरह वर्कर्स जो हैं, जो कि एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर एस्बेस्टोस जो कि केमिकल का नाम है उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा है, यानी वो एक वर्कर जब उस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो बार बार उस चीज के एस्बेस्टोस के साथ, उस केमिकल के साथ उसका इंटरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर वो वर्कर वो तो उसके जब उसका कांटेक्ट हो रहा है तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस 20-fold, यानी उसको 20% चांसेस उसके इंक्रीज हो जाएंगे एज कंपेयर टू अ हेल्दी पर्सन जो के जिसका इंटरेक्शन एस्बेस्टोस के साथ नहीं है। नेक्स्ट, अगर वो वर्कर एस्बेस्टोस की मौजूदगी में काम भी कर रहा है और ऊपर से अगर वो वर्कर स्मोकिंग भी कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो ऑलरेडी उसके लंग्स को डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर उसके चांसेस 400 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। यानी अगर वो हेल्दी पर्सन है तो फिर तो उसके लंग कैंसर होने के चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन अगर एक वर्कर
एस्बेस्टोस की मौजूदगी में उसका रोजाना उसका कांटेक्ट है उसकी उसके साथ, तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचाएगा कितने टाइम्स, 20 टाइम्स उसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वो वर्कर जो है साथ साथ स्मोकिंग भी कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग जो है डायरेक्ट आपके लंग्स पे उसका इफेक्ट होता है, आपके सांस लेने में आपके इनहेलिंग में उसका इफेक्ट होता है, तो फिर उसके जो चांसेस हैं लंग कैंसर के उसके 400 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। यानी कोई ऐसी दो चीजें जब आपस में मिल जाएं उनका इफेक्ट दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इन सच केसेस 1+1 कैन बी अ लॉट ग्रेटर देन 2, क्योंकि जैसे आप इस केस में देखें तो 20 टाइम्स ये था और जब वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो वो 400 टाइम्स बढ़ गया है, यानी वो 14 ही हुआ, वो 400 टाइम्स हुआ, यानी क्वांटिटी 20 से 40 डबल नहीं हुई बल्कि वो 400 टाइम्स इंक्रीज कर गई है। तो इसका मतलब है कि जब इस तरह की दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये थे डिफरेंट, हमने हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट ये उसके फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है कि केमिकल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो कितना डेंजरस है, वो कितना हमें इफेक्ट कर सकता है। अब इसको जब टेस्ट करते हैं इन केमिकल्स को साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में, तो वो डिफरेंट एनिमल्स पे उसको टेस्ट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो कि एनिमल पे नहीं होते, जो कि डायरेक्ट ही वो एनिमल्स पे उसको की बजाय उसको ह्यूमंस पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो टेस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक एनिमल, हमने देखा कि टॉक्सिसिटी के थ्रू एक स्टडी होती है जिसमें पता चलता है कि एनिमल कितना डेंजरस है, कितना टॉक्सिक है। इसमें आप जो है एक लेबोरेटरी में आप एक एनिमल्स को आप एक उसकी खास जो है एक डोज देते हैं, यानी एक क्वांटिटी देते हैं जिसमें आप देखते हैं कि अगर आप उसको सपोज आप किसी एक केमिकल की उसको जैसे आप कहते हैं कि 5 ग्राम आपने उसको दिया, एक एनिमल को डोज दी है, तो अब आप देखेंगे कि 5 ग्राम का कितना इफेक्ट होता है, 10 ग्राम का, 15 ग्राम का, एनिमल कितनी देर के बाद जाकर उस पर इफेक्ट शो करेगा। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो लैब माइस और रैट्स जो हैं वो वाइडली यूज होते हैं लेबोरेटरीज में टेस्ट करने के लिए, यानी कोई भी जब उन्होंने ह्यूमन के लिए टेस्ट करना है तो वो ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले उसको एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं जो कि माइस और रैट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक ह्यूमन से मिलता जुलता होता है। इसी तरह रिजल्ट्स जब आपके मिलते हैं तो वो जो रिजल्ट्स आपके पास बनते हैं उनको आप प्लॉट करते हैं एक ग्राफ पर, एक वो ग्राफ जो है वो डोज और रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है आपके पास। यानी आप एक ग्राफ में आप ये बताएंगे कि इतनी डोज थी तो रिस्पॉन्स कैसा था, यानी इतनी 5 ग्राम हमने एक अमाउंट में हमने केमिकल दिया उसकी इतनी डोज दी है तो एनिमल ने किस तरह रिएक्ट किया है, 10 ग्राम दी है तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह का आया है, यानी उसके सिम्टम्स इस तरह के आने शुरू है कि 5 ग्राम पे जो है उसके सिर्फ ये सिस्टम सिम्टम थे कम थे, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपने डोज इंक्रीज की है तो उसका रिस्पॉन्स भी इंक्रीज करता गया है। इसको हम फर्दर भी देखेंगे ग्राफ के थ्रू। इसी तरह डिटरमिन दी लीथल डोज। लीथल डोज क्या है? लीथल डोज ऐसी डोज है जिसपे, यानी आप इतनी क्वांटिटी आपने किसी केमिकल की दे दी है कि वो जो लैब में जो आप एनिमल जिसपे टेस्ट कर रहे थे वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। यानी एक ऐसी डोज जिसपे किसी की डेथ हो जाए वो लीथल डोज कहलाती है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है मीडियन लीथल डोज, जिसको LD50 भी बोलते हैं। LD शो कर रहा है लीथल डोज और 50 शो कर रहा है मीडियन यानी एवरेज। जब हम किसी चीज का मिड देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि 50 पे जाके 100 का मिड क्या होगा, 50। तो ये उस तरह की डोज होती है, ये इस तरह की अमाउंट ऑफ केमिकल है जिसपे आपके पास 50% ऑफ एनिमल जो है एक पॉपुलेशन का वो विदिन 18 डेज अगर किसी पॉपुलेशन जो है वो 50% उसकी मर जाएगी तो वो मीडियन लीथल डोज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रैट्स ली हैं जिन पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने उन्हें कोई है 50 आपने उन्हें 70 ग्राम्स ऑफ कोई केमिकल आपने दिया है। अब उस 70 ग्राम डोज पर आप पहले 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आपने डिफरेंट डोजेस दी हैं उसको, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास जब आप 70 ग्राम पे पहुंचे हैं डोज पे पहुंचे हैं तो आपने देखा कि आपके 10 रैट्स में से 5 रैट्स जो हैं वो
मर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 10 क्योंकि लिए थे उसमें से 5 मर गए हैं और 5 ही बाकी हैं, यानी 50% जो रैट्स जो हैं वो मर गए हैं। तो इसका मतलब है 70 ग्राम ऐसी डोज है, ऐसी मीडियम लीथल डोज है जिस पर आपके पास 50% ऑफ एनिमल जो है वो आपके पास मर गए हैं पॉपुलेशन में, और विद इन वो 18 डेज आपके पास वो उन्होंने ये रिस्पॉन्स शो किया है। अब ये वो ग्राफ है जिसकी मैं बात कर रही थी, डोज एंड रिस्पॉन्स कर्व, जिसमें आपके पास नीचे आपके पास डोज आती है, यानी इधर आप क्वांटिटी लिखते हैं जितनी आपने केमिकल की क्वांटिटी दी है। इसके डिफरेंट यूनिट्स होंगे, जैसे ग्राम तो मैं बहुत बड़ा यूनिट बता रही हूँ, लेकिन वो तो आपको समझाने के लिए ग्राम्स के जैसे छोटे यूनिट होते हैं मिलीग्राम पर लीटर, बीपीएम डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी बस ये डिफरेंट यूनिट्स होंगे, इसमें आपको बस ये समझना है। इसी तरह इधर जो है आप इधर आप पॉपुलेशन लिखेंगे, यानी आप जितने आपने एनिमल्स लिए हैं, जितने आपने रैट्स या माइस की जितनी आपने क्वांटिटी ली है, अब यहाँ पर आप वो परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन या उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया है। यहाँ पर आप प्लॉट करते जाएंगे कि आपने 2 ग्राम, सपोज आपने 2 ग्राम दिया है तो कोई भी जो है किसी की भी एनिमल की डेथ नहीं हुई, 4 ग्राम दिया है तो 1% या 2% जो है एनिमल जो है यानी कोई उसका रिस्पॉन्स आया है। इसी तरह आपने 6 दिया है तो आपके पास कोई 25% पॉपुलेशन अगर मर गई है, ठीक है। इसी तरह यानी जब आपने 7 ग्राम जब आपने दी है डोज, तो उस पर 50% जो पॉपुलेशन आपके पास उस वक्त आप जिस पे टेस्ट कर रहे थे एनिमल की, यानी जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि 10 में से 5 जो है वो आपके पास रैट्स अगर मर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 50% जो है 7 ग्राम या 70 ग्राम पे जो है वो मर गए हैं, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल मैं आपको फर्जी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, जिसमें और इसको हम कहेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व, क्योंकि इसमें जो आपके पास ये कर्व बनती है जब आप इस ग्राफ को बनाते हैं तो ये इस तरह की फॉर्म में एक ग्राफ आपके पास आ जाता है, और ये जो क्वांटिटी है जिसपे हमारे पास वो डोज जिसपे 50% पॉपुलेशन हमारे पास मर जाएगी लेबोरेटरी एनिमल की, वो हमारे पास LD50 कहलाएगी। इसी तरह उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स जो है वो बताए हुए हैं कि कौन सा केमिकल हम उसको कैटेगराइज कर दिया है, कि कौन सा जो है वो केमिकल वो सुपर टॉक्सिक होता है, कौन से केमिकल एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, वेरी टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक, स्लाइटली टॉक्सिक एंड इसेंशियली नॉन टॉक्सिक। अब आगे उन्होंने लिख दिया है कि अब इस जो सुपर टॉक्सिक होंगे उनकी कितनी क्वांटिटी लेंगे तो उस पे वो पॉपुलेशन जो है 50% पॉपुलेशन डाई कर जाएगी। इसी तरह उन्होंने लीथल डोज, एवरेज लीथल डोज भी बताई है, जिस पर यानी ऐसी डोज जिसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, और उनकी उसने एग्जाम्पल भी दे दी है कि सुपर टॉक्सिक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स कौन कौन से केमिकल्स इंक्लूड है। अब जैसे उन्होंने फर्स्ट उसको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास सुपर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनकी अगर आप यानी उसको आप लेस देन 5 भी उसकी, अब उसके यूनिट्स ये उन्होंने दिए हुए मिलीग्राम्स पर किलोग्राम, ठीक है, यानी उसके जब लेस देन 5 मिलीग्राम्स भी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी उसकी इतनी थोड़ी क्वांटिटी भी आप देंगे तो उसकी 50% पॉपुलेशन आपके पास टेस्ट एनिमल्स की जो है वो मर जाएगी। जाहिर सी बात है वो सुपर टॉक्सिक है, वो बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है, इसलिए अब जब आप उसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी इनहेल कर लेंगे तो वो टेस्ट एनिमल जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे और वो 50% तक वो मर जाएंगे। और उसकी लीथल डोज कितनी है, एवरेज लीथल डोज से मुराद ही है जिस पर आपके एनिमल्स का टेस्ट एनिमल्स का आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, यानी वो लेस देन 7 ड्रॉप्स, यानी सिर्फ 7 ड्रॉप्स देंगे तो आपके कोई ना कोई इफेक्ट दिखाना शुरू हो जाएंगे, जैसे उनकी रंगत में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, उनकी आई कलर चेंज हो जाएगा, या वो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे, जैसे अगर वो इधर उधर भाग रहे हैं एनिमल्स, ठीक है, तो वो एक्टिव नहीं रहेंगे, वो एक जगह बैठे रहेंगे, या वो रेस्ट ज्यादा करना शुरू कर देंगे, तो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज उनके लेस देन, यानी जो केमिकल इतना डेंजरस है वो सुपर टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो उसमें उसकी थोड़ी सी मिकदार भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और सुपर टॉक्सिक कौन कौन से एग्जाम्पल्स उसकी कौन कौन सी हैं, नर्व गैसेस हो सकती हैं, बॉटुलिज्म टॉक्सिन है, मशरूम टॉक्सिन है, डायऑक्सिन है। इनके सिर्फ आपको सिर्फ नाम, इनके डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ये इसमें आ सकते हैं। इसी तरह एक्सट्रीमली टॉक्सिक कौन होते हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक वो होते हैं यानी जिनकी अब आप क्वांटिटी जो है 5 to 50 करेंगे,
5 to 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम तो उनकी आधी पॉपुलेशन टेस्ट एनिमल्स की जो है वो मर जाएगी। ऑब्वियसली जो सुपर टॉक्सिक है वो बहुत 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 ज्यादा, सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो सुपर टॉक्सिक है। उसके बाद जो थोड़े सुपर टॉक्सिक से कम होंगे वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होंगे। और इसकी जो एवरेज लीथल डोज की जो मतलब यानी एक थोड़ा बहुत जो रिस्पॉन्स आना शुरू होगा वो 7 ड्रॉप्स टू 1 टीस्पून पे जो है, यानी 1 टीस्पून जो हम यूज करते हैं स्पून का, उसके उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। इस तरह इसकी डिफरेंट उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, पोटाशियम साइनाइड है, हीरोइन है, एट्रोपाइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह जो वेरी टॉक्सिक है अब वो इन दोनों से जरा कम जो है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक से भी वो जरा कम टॉक्सिक होंगे लेवल पे। और जब उनकी क्वांटिटी आप 50 टू 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम करेंगे तो तब उनकी 50% पॉपुलेशन जो है वो उस टेस्ट एनिमल की डाई कर जाएगी। इसी तरह अब इनकी एवरेज लीथल डोज जो है उसकी भी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि अब ये वाले कम डेंजरस है। इसी तरह इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, मॉडरेटली टॉक्सिक जो हैं उसकी 500 टू 5000 क्योंकि अब ये जो हैं ये अब इतने नुकसान नहीं है बल्कि ये मीडियम तौर पे ये मॉडरेट हैं, ये इतने ज्यादा डेंजरस नहीं है। जब आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे फिर जाके इनका इफेक्ट आएगा, है ये डेंजरस ही लेकिन ये बाकी तीनों के मुकाबले में, ये जो ऊपर वाले तीनों उनके मुकाबले में जरा कम टॉक्सिक है। इसी तरह जब आप इनका रिस्पॉन्स आना कब शुरू होगा कि अब ये डिफरेंट उन्होंने वेट के यूनिट है जो ऑन्स हैं, पिंट हैं, क्वार्ट हैं, ये डिफरेंट वेट के या वॉल्यूम के, जैसे लीटर है, लीटर हम यूज करते हैं ना कि एक लीटर हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं यूनिट, जैसे हम कहते हैं एक लीटर दूध ले आना किसी को हम गए, ठीक है, या हम कहते हैं कि एक किलो चीनी ले आना, तो ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे किलो जो है ये वेट का यूनिट है, लीटर जो है ये किसी लिक्विड चीज का यूनिट है। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स में उनकी बात की हुई है कि आप किसी केमिकल को आप 1 पिंट एक यूनिट है यानी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं तो वो आपको इतने इतने उसके इफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह जो स्लाइटली टॉक्सिक हैं अब उनकी इतनी क्वांटिटी लेंगे तो वो इफेक्ट करेंगे। इसी तरह जो इसेंशली नॉन टॉक्सिक है यानी अब आप उसकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी दे देंगे तो वो नॉन टॉक्सिक केमिकल बन जाएगा, यानी वाटर, ग्लिसरीन, टेबल शुगर, ये जाहिर सी बात है ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक केमिकल है। इनके अब आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी ले लें तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डिफरेंट अदर वेज भी हैं जिनके थ्रू जो है आप एक केमिकल का ये शो करा सकते हैं कि वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं। अब वो किस तरह है कि आप जब केसेस जो है आप रिपोर्ट करते हैं, यानी आप बताते हैं कि एक जो आपके पास कंट्री होती है उसमें जो है उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है, उन्हें पता होता है कि उनके पास कितने केमिकल, अगर कोई इंसान जो है केमिकल से मरा है या उसको क्या कोई बीमारी हुई है तो उनके पास वो सब जो है वो डाटा इकट्ठा होता है, ठीक है। वो रिपोर्ट जब आप करते हैं, जब आप हॉस्पिटल में उस चीज का इलाज करवाते हैं तो उस चीज को वो रिकॉर्ड में रख लेते हैं कि इस पर्सन को इतने लोगों को मरकरी से वो इफेक्ट हुए हैं, इतने लोग जो है वो किसी और केमिकल से इफेक्ट हुए हैं। तो इसको कहते हैं कि आप केस रिपोर्टिंग, केस रिपोर्ट होता है आपके पास किसी भी, जब भी आप किसी भी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो जब आपके पास वो दिखाते हैं ना, जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि इतने परसेंट जो है पॉपुलेशन वो इतने परसेंट ऑफ इतनी बीमारियों से, यानी टीबी से कितने लोग मरते हैं, उसी तरह पता चलता है कि जब लोग हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने आते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उससे आपको वो जब सर्वेज जब इस तरह के होते हैं तो उनसे आप वो रिकॉर्ड में रखते हैं कि इतने लोग इस बीमारी से मरे हैं, इतने लोग इस बीमारी से मरे हैं। इसी तरह केमिकल्स के केस में भी जो इफेक्ट्स होते हैं या किसी की डेथ होती है वो उसको रिपोर्ट की फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं। इसी तरह एक स्टडीज क्रिएट करते हैं केमिकल्स की जिसमें आप ये देखते हैं उनके हेल्थ इफेक्ट्स देखते हैं, जिसमें आप लेबोरेटरी में, लैब में उनकी स्टडी करते हैं तो उन स्टडी को आप कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। एपिडेमियोलॉजी स्टडी किस तरह की होती है जिसमें आप एक पार्टिकुलर केमिकल का जो है उसको आप किसी ऐसे एनिमल को सपोज आप लेते हैं और उसको उस केमिकल की क्वांटिटी देते हैं और एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेंगे जिनको आप वो क्वांटिटी नहीं देंगे, तो ये आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी एक ग्रुप को आप केमिकल की क्वांटिटी देकर और एक को क्वांटिटी ना देकर आप उनका टेस्ट करते हैं कि जिसको आपने दिया है उसका कैसा इफेक्ट है और जिसको आपने नहीं दी क्वांटिटी उसका कैसा इफेक्ट है।
but limited by too few people have been exposed to high enough levels of a toxic agent to detect statistically significant differences. लेकिन उन्होंने कहा है कि आप बहुत थोड़े, यानी आप बस ये लिमिट करते हैं कि आपने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ आपने उसकी क्वांटिटी प्रोवाइड करनी है ताकि उसके आप डिटेक्ट कर सकें कि किस तरह के उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लंबा अर्सा लेंगे क्योंकि आप उनको डिफरेंट क्वांटिटीज उनको इनटेक करवाएंगे, फिर उनका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, एक बहुत लंबी स्टडी होती है, लेकिन उससे रिजल्ट आपको बहुत हद तक पॉजिटिव मिलते हैं, यानी आपको हेल्पफुल होते हैं। क्लोजली लिंकिंग एन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट विद एक्सपोजर टू अ पार्टिकल केमिकल इज डिफिकल्ट बिकॉज पीपल आर एक्सपोज टू मेनी डिफरेंट टॉक्सिक एजेंट्स। यानी इस बात का पता चलाना कि एक इंसान जो है वो किस केमिकल से उसको इफेक्ट हुआ, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम अपनी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स को इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनमें से किसी एक का ये पता करना कि हमारे ये जो इफेक्ट आ रहे हैं वो किस एनिमल के, किस केमिकल के आ रहे हैं, उस चीज़ को उसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट केमिकल से हमारा कॉन्टैक्ट होता है and can vary in their sensitivity to such chemicals. कि हर chemicals के साथ उनका response भी different तरह का हो सकता है और किसी कईयों के साथ same तरह का भी हो सकता है कि दो chemicals एक जैसा response देते हों, तो उसको detect करना बहुत मुश्किल होता है कि human जो है ये किस chemical की वजह से उसकी ये हालत हुई है या उसकी तबीयत खराब हुई है या उसके lung पे effect हुआ है। तो दो तीन chemicals जो है आपके अगर lung को effect कर सकते हैं तो अब आपको ये पता चलाना होगा कि उसके lung को किस किस्म के chemical ने effect किया है। तो ये studies difficult भी हो सकती हैं इस sense में। इसी तरह कोई अगर न्यू केमिकल या न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सपोज हो गई है या आपके एयर में आ गई है तो उसके उसका इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके केस में पहले आपने लोग उसके साथ उनका कांटेक्ट नहीं हुआ होगा। जैसे आजकल के केस में कोरोना वायरस जो है, अब इसके जो ये फैला हुआ है, इसकी ये जो टाइप हमारे पास आई हुई है, क्योंकि पहले अब ये तो हमारे पास इस तरह की नहीं आई हमारे पास, ठीक है, तो जब कोई नई चीज़ आ जाएगी तो उसके साथ उसका पता करना हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वैक्सीन भी नहीं होगी, उसकी हमारे पास कोई इलाज भी नहीं होगा, कोई क्योर भी नहीं होगा, तो इस तरह की केसेस में उनको स्टडी करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अब डिफरेंट पिक्चर है जिसमें दिखाया गया कि हम जो अपने घर में जो है, हमारे घर में हर जगह पर जो है हार्मफुल केमिकल्स हमारे घर में जो है वो डिफरेंट हमारे घर के डिफरेंट हिस्सों में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी वही स्लाइड है, सेम स्लाइड है, जस्ट ये बड़ा करके पिक्चर को ताकि इजीली नजर आए उस तरह प्रेजेंट किया गया। अब डिफरेंट वो बता रहे हैं कि हम जो शैम्पू यूज करते हैं हम अपने घरों में, अपने बाथरूम में, उसमें जो है हमारे पास जो शैम्पूज हैं उनमें ये मुश्किल, ये जो टॉक्सिक है, ये जो केमिकल पर फ्लोरो केमिकल्स टू एड शाइन, ठीक है, उनमें हम ये जो केमिकल यूज करते हैं शैम्पू में शाइन अपने बालों में लाने के लिए, उसमें वो जो शैम्पू में ये जो केमिकल है ये टॉक्सिक है। इसी तरह नेल पॉलिश में भी परफ्लोरो केमिकल्स यूज होते हैं और फैलिस यूज होते हैं, ये भी हमारे पास डेंजरस है। परफ्यूम्स में यूज होते हैं, हेयर स्प्रे में, फूड में, मिल्क में, तो ये सारे, यानी ये जो डिफरेंट रोजमर्रा की चीजें हैं इनमें हमारे पास डेंजरस केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं जो कि हमें इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये देख लिया कि हम किस तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे पास हर छोटे लेवल पे भी, हमारे घर में भी डिफरेंट केमिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इतनी आम जगह पर भी हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं और उनको हम इंजेस्ट करते हैं, तो अब हम किस तरह जो है इनके साथ अपना कॉन्टैक्ट अवॉइड कर सकते हैं या इनके रिस्क को हम कम से कम, यानी ये हमें कम से कम इफेक्ट करें, हम ये किस तरह देख सकते हैं। सबसे पहले आपने कि जब आपने ये देखना है कि आपको किसी केमिकल का आपने कम से कम आपको इफेक्ट हो, क्योंकि आपने देखा, हमने वो जो पिक्चर देखी है कि हमारे पास हम आम से आम चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, फूड है, शैम्पू है, परफ्यूम्स है, डिफरेंट मैट्रेस हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें हम घर में यूज़ कर रहे हैं, हर एक में हमारा एक्सपोजर जो है डेंजरस चीज़ों के साथ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारे जो हमारे घर की चीज़ें हैं, यानी हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी हम डेंजरस केमिकल से, टॉक्सिक केमिकल से हमारा इंटरेक्शन होता है।
तो इनको रिड्यूस करने का क्या तरीका है ताकि हम पर इफेक्ट ना करें। एक तो आपने स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग वाले जो हैं लोग वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो इन केमिकल्स के बड़े आसानी से वो इनको इफेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस वेट जो है उसको आप कम करें, कंजम्पशन ऑफ फूड को जो है जिसमें ऐसी फूड जिसमें फैट हो, कोलेस्ट्रोल हो, उसको कम से कम करें। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, अल्कोहल यूज ना करें, एक्सेस सनलाइट जो है उसको भी आप ना लें, सिर्फ रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप लें, ताकि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये केमिकल्स आपको आसानी से इफेक्ट नहीं कर सकेंगे। आप अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि ये केमिकल की डोजेस जो हैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर आप ऑलरेडी फिट नहीं हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आपके लंग्स ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, तो ये केमिकल्स जो हैं बड़ी आसानी से आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये एक नाक का जिसमें ये जो रेड एरिया है ये इस चीज़ को शो करा रहा है कि जो हमारे पास 47% ऑफ पॉपुलेशन पूरी दुनिया की है, यानी उसके अगर हम 47% की बात करें तो वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर मलेरिया प्रेजेंट है, यानी वहां पर मॉस्किटोज की जो है इतनी ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है कि वो वहां पे मलेरिया बहुत आम है, क्योंकि मलेरिया जो है हमारे पास मॉस्किटोज के थ्रू फैलता है। ठीक है, यानी ये लोग जो है ज्यादा एक्सपोज्ड हैं मलेरिया से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इससे इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक हेल्दी जो आपके पास लंग है वो इस तरह का है, और एक विद इम्फाइसमिया इस तरह का लंग है। लंग जो इम्फाइसमिया है ये एक लंग कंडीशन है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में जो है मसला होता है। और ये आपके पास क्यों हो सकता है, ये आपके पास अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके पास इस तरह की कंडीशन आपके लंग की हो जाएगी, यानी आपका लंग अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आपकी डस्ट के से भी हो सकता है एयर पोल्यूशन से, तो आपका लंग जो है वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसके जो है पूरे उसकी उसके कलर में उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाएगी। तो एक हेल्दी लंग जो है वो आपके पास चीजों का मुकाबला ज्यादा अच्छे से कर सकता है एज कम्पेयर टू अ लंग जो कि स्मोकिंग कर रहा है। तो उसका लंग इस तरह का होगा तो ऑब्वियसली वो केमिकल से इतना ज्यादा वो फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि स्मोकिंग से वो ऑलरेडी उसकी लंग की इस तरह की कंडीशन हो चुकी हुई है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि बहुत से लोग जो हैं वो रिस्क को इवैल्यूएट सही तरह से नहीं कर सकते, यानी उनको पता नहीं चलता कि हम एक काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे फैक्ट्रीज में अगर कोई काम कर रहा है वो किसी टॉक्सिक केमिकल की, जैसे वो शैम्पू बनाने में शैम्पू बनाने की कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ पर एक ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, परफ्लोरोक्लोरीन्स यूज़ हो रहे हैं, तो अब इन टॉक्सिक केमिकल से वो जब कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो ना अगर कोई मास्क यूज़ करे, वो ग्लव्स यूज नहीं कर रहा, तो वो इस रिस्क को इवैल्यूएट ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है कि ये केमिकल कितना डेंजरस है और मुझे उससे बचना चाहिए। इसी तरह उन्होंने लिखा कि बहुत से हमारे पास ऐसे रिस्क, ऐसे हमारे पास इंजरीज हो जाती हैं या डेथ्स भी हो सकती है, हमें ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज इस तरह बड़े आम से कर रहे होते हैं कि जिससे हमें नुकसान हो सकता है। जैसे अगर मोटरसाइकिलिंग करते हुए जैसे बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि 50 लोगों में से किसी एक बंदे की डेथ मोटरसाइकिलिंग के थ्रू हो सकती है। इसी तरह स्मोकिंग के थ्रू किस तरह डेथ हो सकती है कि अगर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है और वो एक दिन में पूरी पैक जो है स्मोकिंग करके वो ख़त्म कर रहा है तो वो 250 लोगों में से 250 पर्सन्स में से एक बंदे की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह हैंग ग्लाइडिंग के में, हैंग ग्लाइडिंग क्या है, ये जिस तरह पैराशूट से तो यूज होते हैं ना, इसी तरह ये किस तरह का इक्विपमेंट, अगर आप गूगल पे लिखें भी हैंग ग्लाइडिंग तो आपको भी वो नजर आएगा कि लोग जो है उस पे सैर करने के लिए जो है वो इस तरह का एक बनाया हुआ है कि उस पे वो अपने उस पे हैंग करके, उस पे आप ये जरूर देखिएगा हैंग ग्लाइडिंग टाइप करके, उस पे हैंग करके जो है वो उस पे उससे पैराशूट की तरह उस पर हवा में जो है वो सैर कर रहे होते हैं। तो इसके थ्रू भी 1250 लोगों में से एक की डेथ होने के चांसेस इस हो सकते हैं। इसी तरह ड्राइविंग में भी आपके पास जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपके पास 3300 में से एक की डेथ हो सकती है, और अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो 6000 लोगों में से एक की डेथ हो सकती है। यानी सीट बेल्ट लगाएंगे तो डेथ होने के चांसेस आपके पास कम होंगे,
तब बहुत यानी 6,000 यानी ज्यादा लोगों में से एक की डेथ होगी, और जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कम लोगों में से यानी 3,000 लोगों में से एक की डेथ होगी, तो 6,000 में से डबल हो जाएगा, 2 की हो सकती है। ठीक है, यानी ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमारी डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज में भी हम ये ख्याल नहीं करते कि हमारी ये हमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हमें इंजरी हो सकती है। तो आपने इस तरह आपने इन रिस्क को इवेल्युएट करना है, जैसे आप इन आम एक्टिविटीज से भी आप इन रिस्क को इवेल्युएट करें, तो इसी तरह आप डिफरेंट इस तरह के रिस्क को भी इवेल्युएट करेंगे, तो आप डिफरेंट बायोलॉजिकल केमिकल हैजर्ड्स को भी इवेल्युएट करें। ये हमारे डे टू डे हमारे जो नेचुरल फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू जो है जो रिस्क होते हैं ये वो मेंशन किए गए हैं। अब आपने इवेल्युएट और रिड्यूस रिस्क में कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, उसमें आपको रिस्क को कंपेयर करना हेल्प कर सकते हैं, यानी आप कंपेयर करें, जैसे आप ये कि अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो अब आप सेफ हैं ड्राइविंग के थ्रू, और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो आप सेफ नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो आपके नुकसान होने के, आपके डेथ होने के, आपको ज्यादा सीवियर आपकी हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अब आप ये रिस्क को कंपेयर करेंगे कि अगर मैं लगाता हूँ सीट बेल्ट तो मुझे चांसेस कि मैं सेफ हूँ, मुझे अगर मेरा एक्सीडेंट भी होता है तो मैं मुझे बहुत कम मुझे नुकसान होगा, तो ये आप रिस्क को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिटरमिन हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट। अब आप ये देखेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि आप कितने परसेंट रिस्क लेने के आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कितने परसेंट चांस है कि आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस चीज को बिल्कुल क्योर करेंगे, उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। इसी तरह आप एक्चुअल रिस्क जो है उसको इन्वॉल्व करेंगे कि यानी एक जो मैं सपोज ड्राइविंग कर रहा हूँ तो उसमें मैक्सिमम मुझे क्या नुकसान हो सकता है, मेरी हैंड इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी किसी की हो सकती है, वो उसके नर्वस सिस्टम इस तरह से ब्रेन जो है इस तरह से डैमेज होता है कि वो कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है कि रिस्क को इवेल्युएट करना, यानी मैक्सिमम आप देखते हैं कि मुझे मैक्सिमम क्या नुकसान हो सकता है और मिनिमम क्या नुकसान हो सकता है। जब आपने ये देख लिया तो उसके बाद अब आप उसको इवेल्युएट करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं कि अब मुझे ये चेंजिंग करनी चाहिए, नहीं मैं नहीं मरना चाहता या मैं नहीं कोमे में जाना चाहता, मैं फर्दर इसका इतनी सीवियरली मैं इफेक्ट नहीं खुद पे लेना चाहता, तो अब मुझे प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर मुझे इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह ये डिफरेंट उन्होंने सिटी वाइज जो है डिफरेंट एक्टिविटीज उन्होंने दी हुई हैं कि अगर कोई आप घर में रहते हैं तो आप किस तरह के हैजर्ड से आपका सामना है, अगर आपके नेबरहुड में यानी आपके आसपास के माहौल में आपकी सोसाइटी में किस तरह के हैजर्ड से आपका सामना हो सकता है, वर्क प्लेस में किस तरह के हैजर्ड से आपका सामना हो सकता है, और उनकी उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। जैसे आप घर में रहते हैं तो आपको बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल तीनों से आपका सामना है, इसी तरह आपकी सोसाइटी में आपके नेबरहुड में भी तीनों तरह के हैजर्ड से आप सामना कर सकते हैं, वर्क प्लेस में भी आप कर सकते हैं। हाउस होल्ड में आप बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में किस तरह के आप पानी जो पी रहे हैं उसमें कोई ऐसा केमिकल कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि वो आपके वाटर सिस्टम में दाखिल हो गया है, तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में दाखिल हो गया है, तो वो पैथोजेंस जो है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो गए हैं, तो अब आप उस हैजर्ड का आपको सामना करना पड़ेगा। इसी तरह केमिकल जो है केमिकल कैसे हो सकता है कि आप जो घरों में आप स्टोव्स यूज कर सकते हैं सिलेंडर्स यूज करते हैं उससे अगर आप बहुत हद तक आप एक्सपोजर कर लेते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता जो है घरों में अगर कोई सिलेंडर यूज करते हैं तो आपने अक्सर न्यूज में सुना हुआ होगा कि गैस का सिलेंडर फट गया, या हीटर जो है हीटर के थ्रू अक्सर लोग जो है वो रात को जी हीटर चला कर सोए हुए थे तो उनकी डेथ हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये जो है ये केमिकल केमिकल डेथ होगी। ठीक है, तो इस तरह घरों में भी आप केमिकल डेथ से आपका सामना हो सकता है। फिजिकल हैजर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई आपने यानी आपको कोई घर में आप नाइफ का इस्तेमाल कर रहे थे या इस तरह की किसी चीज शार्प चीज का इस्तेमाल करे तो आपको कट लग गया है, या आग आप यूज कर रहे थे स्टोव यूज कर रहे थे तो आपको कोई बर्न आ गया है, कोई आपका हाथ जल गया है, तो ये आपको फिजिकल हैजर्ड्स आपका ये सामने यानी ये स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, इतना स्मॉल कि आपका जो जलना है उसको भी आप फिजिकल हैजर्ड कंसिडर कर सकते हैं, और इतना कि आपको कोई बीमारी हो जाए या आपकी डेथ क्रिएट हो जाए तो वो भी हैजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेबरहुड में भी इसी तरह आपके हैजर्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हुई कि आपके वेस्ट वाटर में या आपके सॉलिड वेस्ट में जो आपके पास आप घरों का जो आपका कूड़ा होता है सॉलिड वेस्ट है उसके थ्रू भी आपके पास डिफरेंट जो है आप अपने पैथोजिन से डिफरेंट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका सामना हो सकता है। इसी तरह केमिकल में भी आपका आप अपने
एयर के थ्रू आपका डिफरेंट चीज़ों से आपका सामना हो सकता है, डिफरेंट पोल्यूटेंट से आपका सामना हो सकता है। इंडस्ट्रीज अगर आपके आसपास किसी इलाके में हैं या आपके पास आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो एयर पोल्यूशन हो रही है तो उसमें केमिकल्स होंगे, आपके पास एयर में केमिकल प्रेजेंट होंगे तो इन केमिकल पोल्यूटेंट से भी आपका सामना होगा, तो ये भी एक हैजर्ड है। इसी तरह फिजिकल हैजर्ड्स हैं, जैसे स्लाइड्स बनी हुई होती हैं घरों में, ठीक है, इसी तरह उनसे कोई फिसल जाता है, ठीक है, तो वो स्लोप से जो अगर आप फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये एक फिजिकल हैजर्ड है ना, यानी आप फिजिकली आप उस चीज से डैमेज हो रहे हैं। इसी तरह वर्क प्लेस में भी इसी तरह कि आप आपके पास हैजर्ड से आपका सामना है, टॉक्सिक केमिकल से अगर आपका सामना है कि आप वर्क प्लेस पर यानी आप अपनी फैक्ट्री में किसी में काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास ऐसे केमिकल से आपका बहुत सामना है, तो वो आपके पास वो टॉक्सिक केमिकल्स, वो तो वो केमिकल हैजर्ड है आपके पास। इसी तरह बायोलॉजिकल हैजर्ड कि आपके पास कोई पुअर आपके पास ओवर क्राउडिंग है, इन्फेक्शन आपके पास डिजीजेस के साथ आपका सामना हो रहा है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी जो है उसको वो शिकार है किसी ऐसी बीमारी का और उससे आपका सामना हो रहा है। इसी तरह फिजिकल हैजर्ड में आपके पास यानी वर्कर्स जो है खास तौर पे जो किसी ऐसी मशीन वाली जगह पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शोर की वजह से उनकी मशीनरी होगी तो उनको नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है, उसकी वजह से उनके ईयर जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको सुनने की सलाहियत जो है उनकी वो उनकी इफेक्ट हो सकती है। ये आपका लेक्चर यहाँ पर आज का ख़त्म होता है। ये आपके सारे हैजर्ड्स जो हैं आपने कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं। पहले हमने बायोलॉजिकल केमिकल हैजर्ड्स को डिटेल से पढ़ा है, फिर हमने उनको इवेल्युएट किस तरह करना है किसी हैजर्ड को, आप डोज रिस्पॉन्स कर्व के थ्रू लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने वो देखा है, फिर हमने जनरली देखा है कि किसी भी छोटे लेवल पर यानी आम लेवल पर भी जैसे मोटरसाइकिल हमारी डेली टू डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं उससे भी हमें हैजर्ड हो सकते हैं। और जो ये भी पेज है ये जो समरी उन्होंने दे दी है पूरी उसकी एक्टिविटीज़ की, यानी आपके पास बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल जो हैजर्ड्स होते हैं उनकी भी एक समरी भी आपके पास आ गई है जिसने पूरी आपके लेक्चर को जो है सम अप कर दिया है कि उनसे ये हैजर्ड्स हो सकते हैं। लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।